कृष्ण प्रसाद के रूप में कुछ भी निकल सकता है, जो देवी जी का कोई ठिकाना नहीं है। वो हर कुछ बिना मौसम का दे देती है, ऐसे फल फ्रूट देती है देवी जी ज्यादातर, तो फल फ्रूट कुछ ऐसे देती है कि बिना मौसम के ही देती है, जो अभी मौसम ही नहीं है, बिना मौसम के दे देती है। कि कोई आदमी अंदाजा ही लगा सकता है जो चीज अभी आई कहां से। माता अश्रू के दरबार में कुंड से मिलता है प्रसाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं तनवीर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। जो दर्शक हमसे अभी नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि हम आप तक ला सके देश दुनिया की तमाम खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। झांसी की ओर जाने पर टीकमगढ़ से महज 59 किलोमीटर दूर पर प्रसिद्ध मंदिर है। बुंदेलखंड की देवी प्रतिमाओं में अश्रू माता के दर्शनों का विशेष पुण्य लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। झांसी की ओर जाने पर टीकमगढ़ से महज 59 किलोमीटर दूर यह प्रसिद्ध मंदिर है। बुंदेलखंड की देवी प्रतिमाओं में अश्रू माता के दर्शनों का विशेष पुण्य लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के आरंभ होते ही मेला लग जाता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आते हैं। माता के चमत्कारों की कहानियां क्षेत्र के हजारों बुजुर्गों की जुबान पर आज भी सुनने के लिए मिलती है। हम आपको जानकारी बता दें, ओरछा स्टेट की यह धार्मिक भूमि अब निवाड़ी जिले का हिस्सा हो गई है। पृथ्वीपुर के समीप स्थित मां अश्रू माता का यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र वर्षों से रहा है। ओरछा से 20 किलोमीटर दूर पृथ्वीपुर के पास मां अश्रू माता का दरबार लगा है। यहां बना कुंड चमत्कारिक होने से लोगों को बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहां आते हैं और अपनी झोली भरकर जाते हैं। अश्रू माता मंदिर का इतिहास यादव समाज के गौ सेवक अश्रू से जुड़ा हुआ है, जिन्हें माता रानी ने अपने दर्शन नहीं दिए बल्कि उन्हें आज भी अश्रू माता के नाम से जाना जाता है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि लगभग 500 वर्ष पुरानी बात है। अश्रू नाम का एक यादव किसान था, उसकी कुछ भैंस गुम हो गई थी तो उन्हें ढूंढते ढूंढते लगभग एक महीना हो गया। वो थक हार के एक जगह बैठ गया, प्यास के मारे उसके प्राण निकले जा रहे थे तो देवी माँ ने उन्हें एक कुंड में से निकलकर दर्शन दिए और कहा कि इस कुंड में से पानी पी लो। इसके साथ ही माता ने किसान को उसकी भैंसों का पता भी बताया। अश्रू नाम के किसान ने कुंड में से पानी पिया और कुंड की गहराई पता करने के लिए उन्होंने अपनी लाठी कुंड में डाली तो वो लाठी नीचे तक चली गई तो किसान अचंभित रह गया। फिर वो माता के बताए स्थान पर गया तो सभी भैंसे मिल गई, उनकी लाठी भी उसी तालाब में मिली। यह देखकर अश्रू यादव नाम का किसान अचंभित रह गया। उन्होंने यह सब बात सभी को बताई। धीरे धीरे लोग इस स्थान पर आने लगे और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती गई। देश के हर राज्य से लोग आने लगे और भक्तों ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया और इस समय आज तक मंदिर की पूरी देख रेख और पूजा पाठ यादव जाति के बंधु ही करते हैं। आशा है मित्रों आपको यह खबर पसंद आई होगी।